अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू देसी बर्ड्स। आज देसी बर्ड्स में बनेंगे आलू के पराठे। आलू को बॉईल कर लें और फिर मैश कर लें। रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी आपने, क्योंकि यू नो मेरे कहने से तो आपको नहीं अंदाज़ा होगा कि ये कितने नाइस बनेंगे। जब अच्छे से मैश हो जाएं तो हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर दें, लेकिन यहाँ पे हस्बे ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही ऐड हो गया है। खैर है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। आटा लेंगे और यहाँ मैं आपको दो तरह से पराठा बनाना सिखाऊंगी। दो छोटे छोटे बॉल्स बना लें, फिर इन्हें फ्लैट कर लें। फिर आलू के मिक्सचर को इस पर स्प्रेड कर लें। और एक दूसरे के ऊपर रख के कवर कर दें और फिर फ्लैट कर लें। नाइसी गोल रोटी बन गई है, लेकिन तवे पे जाते ही ये किसी कंट्री का नक्शा बन जाता है। पैन या तवा अच्छे से गर्म होना चाहिए। फिर रोटी को फ्लिप कर लें, इस पर घी ऐड कर लें। अगर आपके पास देसी घी है तो बहुत कमाल हो जाएगा। वो लोग जो मसाले के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, उनके लिए ये मैं रेसिपी सजेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन जिन्हें नई चीज़ों को ट्राई करने का शौक़ है उनके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। तो आप बनाएं, और ये बहुत लाइट है। और ये तरीका मैंने इंटरनेट से देखा था। एक बॉल बना लें, उसके बाद इसे फ्लैट कर लें, फिर इसमें मिक्सचर ऐड करें और इस तरह बंद कर लें। पराठे तैयार हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।